नए साल पे संकल्प बनाने जा रहे हो, 1 जनवरी 2023 से मैं दारू नहीं पीऊंगा, 1 जनवरी 2023 से मैं जिम जाऊंगा, 1 जनवरी 2023 से मैं ये करूंगा, 1 जनवरी 2023 से मैं वो करूंगा, खुद को बदल के रख दूंगा, अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दूंगा। क्या आपको पता है इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई थी और रिसर्च में ये आया कि 88% लोग अपने पहले हफ्ते में ही हार मान जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाते हैं। तो वे ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि वो अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाते हैं? And clearly that's very exciting, so potentially... Scientists believe that there are 4 fundamental forces of nature. One for gravity, another for electricity, and 2 nuclear forces, which control the behavior of atoms. Together, they... सिर्फ कुछ लोग 0.01% अपने संकल्प पर कायम रहते हैं और जो पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो लोग संकल्प लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, और ऐसी क्या चीज है जो लोग संकल्प लेते हैं और उनको पूरा कर लेते हैं? एक चीज और, जो लोग संकल्प लेते हैं और उन्हें पूरा कर लेते हैं उनके लिए कोई नए साल की जरूरत नहीं है। तो फिर भी अगर आप मेरी वीडियो देखने आए हो तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जो आप संकल्प लेने वाले हो या जो ले रहे हो आप उस संकल्प को पूरा कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। इस बुक के एक चैप्टर से मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने संकल्प को पूरा कर लोगे, आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। सिर्फ 1% रूल है वो, जिससे आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। 1% फॉर्मूला। इस बुक के एक चैप्टर से मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने संकल्प को पूरा कर लोगे, आप अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। सिर्फ 1% रूल है वो, जिससे आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा कि ऐसी क्या गलती हो जाती है कि जो लोग ऐसी क्या गलती हो जाती है कि काफी लोग जो होते हैं अपने संकल्प लेने के बाद डीमोटिवेट होते हैं और दोबारा अपनी जिंदगी में वापसी उसी चीज को, रूटीन को फॉलो करने लग जाते हैं। पर जो लोग अपने संकल्प बदलते हैं तो वो ऐसा कौन सा कदम उठाते हैं जो उनकी जिंदगी, उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं? असल चीज ये है कि एक रिसर्च जो हुई, रिसर्च में ये पाया गया कि 88% लोग अपनी पुरानी रूटीन पर वापसी आ जाते हैं और बाकी लोग अपना रूटीन पूरा कर लेते हैं। तो होता यह है कि अगर आपको कोई भी अपना संकल्प पूरा करना है, कोई भी अपना संकल्प पूरा करना है, अगर आपने कोई लंबी सी लिस्ट बनाई है, जैसे कि मैं जिम जाऊंगा, ठीक है, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं अच्छी जॉब करूंगा, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, आपने संकल्प की लिस्ट बनाई है, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके ये सारे संकल्प पूरे होंगे इस वीडियो में। हाँ, पर आपको उन टेक्निक्स को फॉलो करना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि लोग जो संकल्प लेते हैं वो फेल क्यों होते हैं। पहले ये चीज़ अपने अंदर भी नोटिस करना कि आप भी इसी तरीके से फेल होते हैं। लोग फेल इसीलिए होते हैं कि वो एक तो लंबी सी लिस्ट बना लेंगे। लंबी लिस्ट बनाना गुनाह नहीं है, लंबी लिस्ट पर काम एक साथ करना गुनाह है। कैसे? लोग खुद से कैसे वादे करते हैं कि 1 जनवरी 2023 से मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, 1 जनवरी 2023 से मैं रोज जिम जाऊंगा, 1 जनवरी 2023 से मैं ये करूंगा, 1 जनवरी 2023 से मैं वो करूंगा। बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। अब उनकी एक वादा, किसी एक वादे पे भी वो ढंग से टिक नहीं पाते। कोई एक वादा भी टूटता है उसके बाद एक के बाद लड़ी लग जाती है सारे वादे टूटने की, और वो खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो दोबारा से अपने पुराने रूटीन में पहुंच जाते हैं। सपोज करो कि अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने अपना टारगेट रखा है कि मेरे को 1 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं। ये बात मोटिवेशन के लिए अच्छी है पर लॉजिकल नहीं है। हर चीज़ में टाइम लगता है, समय लगता है, समझना पड़ता है। मैं खुद से ये वादा करूँ 1 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लूँगा, अगर 1 महीने में मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए तो दूसरी बार अगर मैं खुद से फिर से कोई वादा करूँगा, मेरा सिर्फ फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मैं खुद से वादे करने से डरूंगा, मुझे लॉजिकल बात करनी पड़ेगी खुद से कि मुझे 1 महीने में 100 सब्सक्राइबर चाहिए। लॉजिकल बात है, समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरे दिन में 10 सिगरेट पीते हो तो खुद से ये वादे करो कि मैं अगले 1 हफ्ते तक 10 की जगह सिर्फ 9 सिगरेट पीऊँगा। ऐसा नहीं कहना कि मैं सिगरेट पीऊँगा ही नहीं, 10 की जगह सिर्फ 9 सिगरेट पीऊँगा। और अगर मैं अपना संकल्प पूरा कर लेता हूँ, 10 की जगह 9 ही पीता हूँ पूरे हफ्ते में, तो मैं खुद को एक बेहतरीन सा इनाम दूंगा। वो इनाम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको लगे कि यार मैंने अपना संकल्प पूरा करा है, ये हुआ है, वो हुआ है, मैंने अपना संकल्प पूरा करा है, मेरे को इनाम मिलना चाहिए। वो इनाम ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप खुद को अपनी मनपसंद फेवरेट शर्ट दे सकते हो, अपनी फेवरेट जूते दे सकते हो। अपने आपको ऐसा इनाम देना जिसको पा के आप बड़े ही खुश हो, जिसको आप बड़े दिनों से चाहते थे। इसी के अपोजिट अगर आप अपना संकल्प तोड़ते हो, इतना छोटा सा संकल्प जो कि आप आराम से पूरा कर लोगे, अगर मैं इस संकल्प को तोड़ता हूँ तो इसकी जगह मेरे को सजा भी मिलेगी, वो सजा भयानक होनी चाहिए जिसका डर आपके मन में होना चाहिए। अगर मैंने अपना संकल्प तोड़ा तो मुझे ऐसी सजा मिलेगी जिसका डर आपके मन में होना चाहिए। अब इसमें होगा क्या, इस चीज़ में होगा क्या कि अगर आप संकल्प तोड़ते हो या संकल्प पूरा करते हो,
इनाम, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आपका संकल्प, छोटा सा संकल्प पूरा होता है तो आपको खुद को एक गिफ्ट देना है, खुद को एक अच्छा सा गिफ्ट देना है। इसके अपोजिट अगर आपका संकल्प टूटता है तो आपको एक सज़ा भी देनी है। अब हमारा दिमाग थोड़ा काम ही ऐसा करता है, रिजल्ट यही है कि आपको गलती पर खुद को सज़ा देनी है और अपनी अच्छी चीज़ों पर खुद को इनाम देना है, और इससे आप धीरे धीरे अपने संकल्प पूरे कर लोगे। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक बार में अपना एक ही संकल्प पूरा करना है, एक बार में सारे संकल्प पूरे नहीं करने, एक बार में ही आपको पूरी की पूरी लिस्ट लेके नहीं बैठना है, एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है, एक बार में 8-10 चीज़ों पर नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बनता है, तुम्हारे भाई का चैनल है। और हाँ, मैं देखो इतनी सारी किताब पढ़ता हूँ, उस मोटी सी किताब का निचोड़ छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो में देता हूँ, और इतना सा आपका भी फर्ज बनता है कि आपके भाई को आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयर तो करना बनता है, जितने भी आपके दोस्त नए साल पर संकल्प लेने जा रहे हैं। संकल्प क्या है? जिम जाओगे, है ना, यही हो सकता है। बियर पीना छोड़ दोगे, यही हो सकता है। नई गर्लफ्रेंड बनाओगे, अच्छी पर्सनैलिटी बनाओगे, जॉब ढूंढोगे, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करोगे, मैं लिख के देता हूँ कि आप वो पूरा कर लोगे। तो लाइक ठोको और ठोकते चले जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।